इस महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर की तरह भूमिका अदा कर रहे हैं और लगातार कई देशों के प्रमुख उनसे बात कर रहे हैं। शुक्रवार को भी इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल और जापान के प्रधानमंत्रियों से चर्चा की। कोरोना वायरस के संकट के बीच हिंदुस्तान में रक्तदान में कमी दर्ज की गई है, लिहाजा लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाने का फैसला लिया है। लखनऊ में जरूरतमंदों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और शुरुआत की, स्ट्रीट वेंडर ऑटो रिक्शा चालकों को मदद की गई। रिक्शा चालकों और पल्लेदारों को भी सीएम ने मदद दी, हर लाभार्थी को 1,000 रुपए दिए गए। डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये रकम जमा की गई। अपर मुख्य सचिव गृह ने जानकारी दी कि यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या अभी तक 431 है और 32 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल क्वारंटीन में 8,671 लोग रखे गए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। यूपी सरकार के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो रहा है और मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शबे बारात के मौके पर लॉकडाउन का पालन किए जाने को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु राशिद फिरंगी महली का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश के सभी मुसलमानों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन करते हुए शबे बारात मनाई। नोएडा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारी लगातार कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सभी में संक्रमण ना हो इसके चलते प्राधिकरण ने एक अनोखी टनल बनाई। इस टनल से जो भी शख्स गुजरेगा वो अपने आप ही सैनिटाइज हो जाएगा। संत कबीर नगर के डीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, दरअसल डीएम रविश गुप्ता ने गड़सर पार गांव के खेत में गेहूं की फसल की कटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना महामारी के बीच मुरादाबाद जिले से एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल जिले की एकमात्र कोरोना पॉजिटिव पाई गई युवती की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई। इस दौरान मेडिकल स्टाफ में भी खुशी की लहर साफ देखने को मिली। बिजनौर जिले में इंडियन गैस एजेंसी और सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में मिलने वाले रसोई गैस का लाभ लेने के लिए मिलने वाली रसीद लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ लगी रही और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते हुए पर्ची लेने के लिए भीड़ लगाकर कतार में खड़े नजर आए। कानपुर में डॉक्टर से अभद्रता करने वाले जमातियों ने अपने व्यवहार के लिए डॉक्टरों और स्टाफ से माफी मांगी है। बदसलूकी करने वाले जमाती अब डॉक्टर से जान बचाने की गुजारिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जमाती अब डॉक्टर्स के सामने रो रहे हैं। हापुड़ में कोरोना को बचाव को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया। जिला बार के अधिवक्ता ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जंगल में जाकर पेड़ पर अपना आशियाना बनाया। यहाँ अधिवक्ता मुकुल त्यागी और उनका बेटा खाना पीना रहना और धार्मिक किताबें पढ़कर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इटावा में जब सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही थी तभी कुछ बच्चे सड़क पर खेलते हुए पुलिस को दिखाई दिए। इन छोटे छोटे बच्चों को लॉकडाउन की गंभीरता बताने के लिए इटावा पुलिस ने एक शिक्षक की तरह बच्चों को सबक सिखाया और पुलिस ने बच्चों को मेंढक की चाल चलने की सजा भी दी। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून में है। ऐसे में अब जिलाधिकारी देहरादून ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम प्रधानों से छिड़काव पर जोर देने की अपील की है। लॉकडाउन का समय बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार को सुझाव दिया। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन का समय बढ़ता है तो फिर जनता को मिलने वाली सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक की छूट को कम नहीं करना चाहिए। बागेश्वर में लॉकडाउन का जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। केवल उन्हीं को बाहर सड़कों पर आने की अनुमति दी जा रही है जिनका आना बाहर जरूरी हो।
कटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी के पिता का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। पिछले दिनों दिल्ली के एक वो अस्पताल में भर्ती थे, वहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली। विधायक धामी के पिता और पूर्व सैनिक शेर सिंह धामी का पैतृक गांव नगरा तराई में अंतिम संस्कार हुआ। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के राशन वितरण में प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के फेल होने के दावे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हर जगह नियम मुताबिक ही राशन वितरण की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वागत किया। सरकार ने सभी मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में 30% की कटौती करने के साथ ही 2 साल में 1 करोड़ विधायक निधि भी काटने का फैसला किया है। प्रदेश में फायर सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में वन विभाग को जंगल को बचाने के काम में लगाया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं वन पंचायतों को भी जंगलों की आग बुझाने के काम में लगाया गया है। काशीपुर में कोरोना का कहर किसानों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मजदूर नहीं मिलने से लोग फसल कटने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं फसल ना कटने से आढ़ती भी परेशान है, जिसको लेकर मंडी समिति गेस्ट हाउस में अध्यक्ष और आढ़ती व्यापारियों की बैठक हुई। विकासनगर में एसडीएम चक्राता अपूर्वा सिंह ने मंडी का निरीक्षण किया। इसके बाद मंडी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एसडीएम ने मंडी व्यापारियों के सब्जी स्टॉक सहित इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जांच पड़ताल भी की। देहरादून में भगत सिंह कॉलोनी को हॉटस्पॉट चिन्हित कर प्रशासन ने पूरी कॉलोनी को सील कर दिया। ऐसे में लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने कमान संभाल ली है और कॉलोनी में रहने वाले लोगों को प्रशासन दूध उपलब्ध करवा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। वहीं ड्रोन कैमरे से पल पल की निगरानी का काम जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने अपनी देखरेख में कराया। वहीं नियम तोड़ने पर सख्ती भी बरती जा रही है। मथुरा में पुलिस के जवान बैरिकेटिंग लगाकर सघन चेकिंग कर रहे हैं और लॉकडाउन में लोगों से घरों से बाहर न निकलने की लगातार अपील जारी है। इनकी मुस्तैदी को देखते हुए साथ ही पुलिस प्रशासन के जवानों का उत्साहवर्धन करने के लिए अधिकारी और जवानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। फिरोजाबाद में पुलिस ने लॉकडाउन में ड्रोन कैमरों के सहारे सील इलाकों पर नजर रखी। पुलिसकर्मी लोगों पर नजर बनाए हुए ताकि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन न कर सके। पुलिसकर्मी ड्रोन से स्थानीय लोगों पर भी नजर रख रहे हैं। सिद्धार्थनगर में कंपाइन से गेहूं काटते समय खेत में आग लग गई। देखते देखते आग ने भयावह रूप ले लिया, जिससे 50 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों गांव वालों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया। फिरोजाबाद में शबे बारात की रात इबादत के बाद आज मुस्लिम समुदाय के 111 लोगों ने मुंडन करवाया। साथ ही उन्होंने अल्लाह से कोरोना वायरस के खात्मे की दुआ भी मांगी। लोगों का कहना है कि उन्होंने अल्लाह की इबादत के बाद मुंडन करवाया। लॉकडाउन के बीच आज अलीगढ़ के घंटाघर चर्च में गुड फ्राइडे के मौके पर पादरियों ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन प्रार्थना का प्रसारण किया। ऐसे में ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने घर से ही ये प्रार्थना की। कोरोना के कहर के बीच जारी लॉकडाउन से दुनिया के अमीर लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति पिछले 1 महीने में $1 अरब घट गई है। फोर्ब्स द्वारा जारी बिलियनियर 2020 की सूची के मुताबिक 2.1 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के 1001वें सबसे अमीर शख्स हैं डोनाल्ड ट्रंप। लंदन हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भारी राहत देते हुए फिलहाल दिवालिया घोषित करने की मांग को ठुकरा दिया है। दरअसल एसबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह ने लंदन हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में बैंक ने कर्ज के बोझ से दबे कारोबारी को दिवालिया घोषित करने की मांग की थी। कोरोना वायरस के विकराल रूप से जूझ रहे अमेरिका के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना शुरू कर दिया है, तो अब व्हाइट हाउस भी भारत का फॉलोअर हो गया है। व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को फॉलो करना शुरू कर दिया है।
जामली में शासन के निर्देशों पर हॉटस्पॉट बनाए गए 3 स्थानों को बैरिकेडिंग करते हुए भारी पुलिस फोर्स के बीच दूसरे दिन भी सील रखा गया। साथ ही ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी लगातार की जा रही है। बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। सुभाष नगर बरेली का मुख्य क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस के 6 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। प्रशासन ने पूरे सुभाष नगर क्षेत्र को सील कर दिया है। प्रशासन ने इस इलाके में लोगों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। बलरामपुर में कोरोना संदिग्ध लोगों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात कर्मचारियों को जीवन रक्षक किट न होने की वजह से कर्मचारियों में डर सा बना हुआ है। बलरामपुर के अगर हवा स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए संदिग्धों की देखभाल के लिए 19 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद जहां बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों में ताला लटका है, वहीं सीतापुर में बेसिक शिक्षा विभाग के बीएसए शिक्षक और दूसरे कर्मचारी गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने राज्य में लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। यूपी के सीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि घर से बाहर निकलने पर हर शख्स को फेस कवर करना अनिवार्य है। यह आदेश है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की संख्या 471 जा पहुंची है और अब तक तेलंगाना में 12 लोग इस जानलेवा वजह से अपनी जिंदगियां भी गंवा चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के 400 से ज्यादा मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। मुजफ्फरनगर के कस्बा सिसोरी में लॉकडाउन का उल्लंघन करके 13वीं रस्म में शामिल होना सैकड़ों गांव वालों पर भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कस्बे के लगभग 200 घरों को क्वारंटाइन कर दिया क्योंकि इस रस्म में कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला भी शामिल हुई थी। कोरोना के संकट से निपटने के लिए ट्रेनों के कोच में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे की ओर से वाराणसी में भी 32 कोचेस में रेलवे बोर्ड की तरफ से आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन फैसिलिटी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है जहां रेल के कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा रहा है। उन्नाव पुलिस ने अनोखी पहल की है। एसपी ऑफिस में पुलिस कप्तान ने कंट्रोल रूम का गठन किया। इस कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस कर्मियों के पास पूरे जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नंबरों का डाटा है। इस लिस्ट के नंबरों पर कंट्रोल रूम से लोगों से बात कर फीडबैक लेकर सहायता प्रदान की जाती है। वाराणसी में लॉकडाउन में सीआरपीएफ की 95 बटालियन को शहर के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया गया। बढ़िया के अलग अलग हिस्सों को सीआरपीएफ के जवान लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों के लिए प्रशासन की सहायता से जरूरी सामान और राशन मुहैया कराया जा रहा है। सोनभद्र जिले में लॉकडाउन के दौरान भी चोरों को चैन नहीं है। दरअसल यहां के शक्तिनगर इलाके में स्थित बस स्टैंड मार्केट में चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाया। बैंक से करीब 2 लाख रुपए, 2 कंप्यूटर और 1 लैपटॉप लेकर वो फरार हो गए। बदायूं जिले के पुलिस लाइन में आजकल महिला कांस्टेबल का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। यहां के कल्याण केंद्र में महिला पुलिसकर्मी सिलाई मशीन की मदद से रोजाना करीब 300 से 400 मास्क तैयार कर रही है। लॉकडाउन में जब से दूरदर्शन पर रामायण का फिर से प्रसारण शुरू हुआ है इसे लेकर वैसा ही क्रेज लोगों के बीच देखने को मिल रहा है जो 90 के दशक में हुआ करता था। ऐसे में एक तरफ शो के कैरेक्टर्स भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने लॉकडाउन में अपनी जनता का मनोरंजन करने का आइडिया ढूंढ निकाला है। अब वो घर से अपने कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो की शूटिंग करने जा रहे हैं। आम लोगों के साथ बॉलीवुड सितारे भी जनता कर्फ्यू का पालन बखूबी कर रहे हैं। साथ ही सभी सितारे घर बैठे अपने ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें आपको बता दें वो कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाते हुए थैंक यू बोल रही है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने 2000 खाने के पैकेट्स का वितरण शुरू कर दिया है। अमिताभ मुंबई की कई जगहों पर लंच और डिनर बांटेंगे। कोरोना वायरस के चलते अमिताभ बच्चन ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपने लुक के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती है। करीना कपूर अभी लॉकडाउन के चलते घर में बंद है। करीना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एंट्री की है और वो फैंस के लिए लगातार तस्वीरें शेयर कर रही हैं।